और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। खबर मिल रही है राजधानी भोपाल से, जहां फर्जी पत्रकारों पर सख्त हुई पुलिस। दो फर्जी पत्रकारों पर कार्रवाई हुई है। हरेरा हिल्स थाने में मामला दर्ज किया गया। जर्नलिस्ट प्रेस क्लब ने मांग की थी, तो कार्रवाई को लेकर मांग की गई थी। पत्रकारों के आईडी कार्ड भी चेक होंगे। फर्जी पत्रकारों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस फर्जी पत्रकारों पर सख्त हुई है। तो दो फर्जी पत्रकारों पर कार्रवाई की गई है। अरेरा हिल्स थाने में मामला दर्ज किया गया है। जर्नलिस्ट प्रेस क्लब ने मांग की थी, कार्रवाई को लेकर पत्र लिखा था। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, फर्जी पत्रकारों पर पुलिस सख्त हुई है, दो फर्जी पत्रकारों पर कार्रवाई की गई है, क्या कुछ ही पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए बच्चों, जिस तरह से काफी सारे ऐसे मामले सामने आते हैं, लोग यूट्यूब पोर्टल बना लेते हैं और उसकी आईडी लेकर ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं, कई अधिकारियों को के साथ ब्लैकमेलिंग करते हैं, उसकी लगातार जो शिकायतें हैं पुलिस को प्राप्त हो रही थी। तो आज जिस तरह से अब कमिश्नर जो सिस्टम है वो लागू हुआ, उसके बाद से पहली कार्रवाई राजधानी भोपाल में की गई है। दो फर्जी पत्रकारों को अरेरा हिल्स थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनके नाम पुष्पराज सिंह और राहुल बताए जा रहे हैं। इन दोनों पत्रकारों के नाम पर जो है मामला दर्ज पुलिस ने किया है। इन लोगों पर आरोप है, जब उसने जो उनसे आईडी मांगी थी, तो ये आईडी नहीं दिखा पाए किसी प्रकार की, किसी भी मीडिया संस्थान की कोई आईडी नहीं दिखा पाए, और इसके अलावा कई सारी शिकायतें पुलिस को प्राप्त हो रही थी, तो उसके बाद लेकर पुलिस के द्वारा की गई है। जी जी बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो दो फर्जी पत्रकारों पर कार्रवाई की गई है। अरेरा हिल्स थाने में मामला दर्ज किया गया। जर्नलिस्ट प्रेस क्लब ने ये मांग की थी और कार्रवाई को लेकर पत्र लिखा था।